क्या खुशबू है। तो ये है जी हमारी चिकन की बिरयानी। मैं घर आया हूँ तो ये बनाया भाई आज और एकदम मजेदार, एकदम खिला खिला तवा वाला भाई, मतलब आज सुपर गुड, मजा आने वाला है। तो ये लीजिए गाइस, चिकन हमारा बिल्कुल रॉ शुरुआत करते हैं। तो लगन हमारा गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच तेल, 3 से 4 लौंग, ताकि जो हमारा पानी है उसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए लौंग का। बहुत बढ़िया। और जो हमारे सारे खड़े मसाले हैं इसकी बना लेंगे हम एक पोटली। अच्छा, इसमें खड़े मसालों में एक बार बता दीजिए शेफ क्या क्या है फटाफट जल्दी जल्दी से। इसमें बेलीव है, सिमर स्टिक है जी, जावित्री है जी, हरी इलायची है, काली इलायची है जी जी, तो सारे ऑलमोस्ट खड़े मसाले जी। ठीक है, बढ़िया। तो अब इसकी आप पोटली बताते हैं। इसकी एक पोटली बना लेंगे। देखिए अब इसमें हम पानी पलट, हमने 1.5 किलो चावल लिया है। 1.5 किलो चावल, तो ये हमने बॉईल के लिए चावल रख दिए हैं। अब जो हमने पोटली तैयार कर दी थी एक बार वो दिखा दीजिए। ये हमने पोटली तैयार कर ली है, इसको डाल देंगे हम पानी में। बढ़िया। अब वेट करेंगे जब तक हमारा पानी 100 डिग्री बॉईल होगा। तो शायद ये आपने खड़े मसाले डायरेक्ट में डाले, पोटली में डालने का कोई अलग रीजन है? क्योंकि जो मसाले होते हैं वो मुंह में नहीं आते, और जो हम पानी पोटली से डालते हैं तो सारे मसालों का जो फ्लेवर होता है वो पानी में चला जाता है, घुल जाता है। इसमें डालेंगे हम नमक ताकि जो हमारा राइस है ये फीका ना हो। तो ये देखिए बढ़िया से हमारा पानी बॉईल हो चुका है। तो अब क्या बारी है सर? अब इसमें डालेंगे हम चावल जो हमने 2 से 3 घंटा पहले सोक किया था। ठीक है। तो अब बारी आ गई है लेयरिंग की। हमने 3 घंटा पहले अपना चिकन मैरिनेट किया था, अब हम इसको डालेंगे लगन के अंदर। अब इसमें डालेंगे हम ब्राउन ऑनियन वाला ऑयल जो हमने 1/2 कप लिया रखा था। इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर जी 1 चम्मच और थोड़ी सी सिनेमन पाउडर तकरीबन 1/2 चम्मच। बढ़िया। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं शेफ जी। इसको अच्छे से मिक्स करके जी अब हम इंतजार करेंगे जब तक हमारा 50% चावल कुक हो जाएगा। हमारा चावल 50% पक चुका है, इसमें से अब हम पोटली हटा देंगे मसालों की। ग्रेट, बहुत ही अच्छे से पक चुका है ये चावल। ये देखिए गाइस 50% डन हो चुका है। तो अब ये लेयरिंग लगाएंगे हम इसकी। अब बचा हुआ चावल जब तक हमारा 75% पकता नहीं है तब तक उसका इंतजार करेंगे। अब बारी है जो हमारा 75% चावल पक चुका है, अब हम लेयरिंग करेंगे इसकी। चावल को अच्छे से लगन में फैलाना है ताकि इसका जो दम है बहुत अच्छे से लगे। अब बारी है ऊपर से टॉपिंग्स की, इसमें डालेंगे हम ब्राउन ऑनियन। ये बरिस्ता ऑनियन कहते हैं ना शायद इसको? जी जी जी। ये हमने पहले से तैयार करके रखे हुए थे, तो आप भी इस तरीके से पहले से तैयार करके रख सकते हैं और ऑनियन इस तरह की लेयरिंग कर दीजिए। नेक्स्ट शेफ, अगला डालेंगे हम मिंट चॉप, जूलियन अदरक की, अब डालेंगे धनिया। अब बारी है सैफ्रन वाटर की। सैफ्रन वाटर, वाओ। ये हमने दूध में तैयार करके रखा है पहले से? जी, हमने इसको दूध में 1 घंटे से भिगा के रखा था। अरे अब इसका कलर दूध में बहुत अच्छे से येलो आ गया है। और लास्ट में डालेंगे हम इसमें केवरा पाउडर। अब बारी है दम लगाने की। दम लगाने के लिए हम जो लगन की साइड्स हैं उनको थोड़ी सी गीला कर लेंगे पानी से ताकि जो हमारा सिल्वर फॉइल है वो अच्छे से चिपक जाए। अपने सिल्वर फॉइल को भी अच्छे से भिगा लें ताकि वो लगन को अच्छे से पकड़ ले।
बढ़िया। अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन और अपनी गैस को कर देंगे स्लो और इसको 30 मिनट तक धीमी आंच में पकने देंगे। तो ये देखिए गाइस 30 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुकी है, 30-35 मिनट्स हमने इसको दम पे पका लिया है। अब करते हैं इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या लुक आई है इसकी। क्या खुशबू है, क्या बात है। तो ये है जी हमारी चिकन की बिरयानी, मैं घर आया हूँ तो ये बनाया भाई आज और एकदम मजेदार, एकदम खिला खिला चावल है भाई, मतलब आज सुपर गुड, मजा आने वाला है। एक एक चावल खिल रहा है और ये कच्चे गोश्त की चिकन बिरयानी है, ये मतलब की चिकन बिरयानी है कच्चे मीट की, एकदम मजेदार जी बिल्कुल। आप ये रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और हमें बताना कि आपको कैसा लगा। मैं एक पीस दिखा के दिखाता हूँ ये देखो, एकदम फ्लेवर के साथ भरा हुआ मजेदार। मिलते आपको एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।